हेलो एंड वेलकम मेरा नाम है रोहन और आपका स्वागत है हमारे सी ई टी मैथामेटिक्स सीरीज़ में जहां पर हम आपके पास लेकर आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और देखते हैं कि आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे या नहीं और साथ ही साथ मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आता हूं जिनके आने के चांसेस आने वाले एग्जाम्स में हैं सो so, दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रोबेबिलिटी ठीक है तो लेट्स सॉल्व द प्रोबेबिलिटी की गुथी हमारे साथ सो गाइज द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी डॉट अ प्लांट ए सरवाइव इज थ्री अपॉइंट फोर ठीक है वेरी सिंपल एंड द प्रोबेबिलिटी डॉट अनदर प्लांट बी सर्वाइव इज वन अपॉइंट थ्री अब हमें बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ एक प्लांट सर्वाइव करना चाहिए ठीक है तो गाइज इसको समझते हैं कि कितने केसेस बन सकते हैं हो सकता है कि ए सर्वाइव कर जाए ठीक है ए सर्वाइव कर जाए और बी ना सर्वाइव करे ठीक है दूसरा हो सकता है कि ए ना सरवाइव करे और बी सरवाइव कर जाए देर ओनली फोर केसेस राइट बहुत ईजी है सोचना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे है ना दो तीसरा है कि ए भी सरवाइव कर जाए और बी भी सरवाइव कर जाए राइट सिंपली लास्ट है कि ए सरवाइव ना करे और बी भी सरवाइव ना करे अच्छा अगर आपको क्या लगता है कि अगर वन ऑफ देम सरवाइव करना है राइट अगेन वन पॉइंट अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज द वीडियो सोल्व इट इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस ठीक है अदरवाइज यू कैन जस्ट प्ले अलॉन्ग विथ मी आप मेरे साथ सोल्व कर सकते हैं इसको ठीक है ठीक है अगर हमें एक प्लान को सर्वाइव करना है what do यू थिंक इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ये पहले दो है ना इन दोनों केसेस को अगर हम सम कर दें तो हमारा कुल मिलाकर कलेक्टिवली हम हमारे पर्पस को फुलफिल कर पा रहे होंगे कि एक प्लांट सरवाइव कर रहा होगा ठीक है तो इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है पी ए ठीक है ए सर्वाइव्स एंड इंटरसेक्शन बी सर्वाइव ना करें ठीक है हमने प्रोबलिटी ए प्लांट ए की सर्वाइवल की प्रोबेबलिटी को पी ए माना है और प्लांट बी uh, की सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी को पी बी माना है ठीक है यूनियन राइट वी वॉन्ट द क्यूमुलेटिव केस प्रोबेबिलिटी ऑफ की ए सर्वाइव ना करें इंटरसेक्शन बी सर्वाइव कर जाए इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है गाइस बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन सिंपली कैसे होता है मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है गाइस तो ए की सर्वाइवल का होगा थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई करेंगे बी ना सर्वाइव करे तो सिंपली हम यहां से निकाल लेते हैं दिस इज यहां पर लिखता हूं ठीक है देखो इतना काम हमें एग्जाम में नहीं करना होगा बट इफ यू आर गिविंग योर बोर्ड पेपर्स यू शुड राइट ऑल ऑफ दिस राइट अदरवाइज आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे ठीक है टू बाई थ्री यूनियन यूनियन का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं दीज आर ऑल टर्म्स जो आपको समझ में आनी चाहिए बट एनी वेज यू आर डूइंग सो इट डूंगजेंट मैटर इफ यू नो एक्चुअली द क्रक्स ऑफ इट कि कैसे काम करता है ये ठीक है और दूसरा पी ए सर्वाइव ना करे ऑब्वियसली क्या होगा गाइस दिस इज यानी कि वन अपॉइंट फोर ठीक है सो आई एम गोइंग टू राइट वन अपॉइंट फोर

सो गाई जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सो गाई सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बताओ आप इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में तब तक के लिए अलविदा मिलेंगे दोबारा थैंक यू वेरी मच